सुशासन, विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। एक रिपीटेशन का कल्चर रहा है अनुराग जी के, कांग्रेस आती है फिर बीजेपी आती है, कांग्रेस उस पर दाव भी लगा रही है, प्रधानमंत्री ने भी बोला, तो क्या ये ट्रेंड बदलेगा इस बार? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लगातार जो है कांग्रेस की बात की जाए, ओपीएस माना जा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे एक बड़ा कांग्रेस काफी उम्मीद लगाई हुई है कि वो वोटर्स उनको वोट करेंगे। देखिए, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही, वापिस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है, इनको झूठे वादे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल में 2003 में भी और 2012 में भी इन्होंने पहले कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। पंजाब, राजस्थान और बाकी राज्यों में इन्होंने कर्जे माफ करने की बात कही थी किसानों को, वो भी नहीं किया है। तो जनता कांग्रेस का असली चेहरा जानती है कि ये झूठे वायदे करते हैं फिर पूरे नहीं करते। रेबल्स जी की वजह से और धूमल साहब की वजह से जाने जाते थे, दोनों इस बार नहीं चुनाव से। निश्चित तौर पर हिमाचल की राजनीति में जो दो दिग्गज थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे, एक का स्वर्गवास हो गया, एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इससे एक कमी खलती है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, नीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है, विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है, उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा के अनुसार जो जो जब जब कहा और जो वायदे भी किए उनको तो पूरा किया ही, उससे बढ़कर भी पूरा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, अभी विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे रवायत बदलने की बात लगातार हो रही है, वो कह रहे हैं कि ऐसा हिमाचल में कोई है नहीं जो यहां के रीति और रवायत को बदल सके। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। रवायत बदल रहा है इस बार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम प्रदेश और देश में किया है उस पर मोहर जनता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अवसर देगी। रेबल्स कितना खेल बजा रहे हैं? सॉरी, जो बाकी हैं, जो बाकी रेबल्स, देखिए हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी हो पाएंगे। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को देखा कि जब कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी, ना ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया, और जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को वापस दिया। अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े निवेश यहां पर होने जा रहे हैं, यहां से 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दूसरी ओर जो एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी मिले थे, मेडिकल कॉलेजेस से अस्पताल मिले थे, उनको भी कांग्रेस ने शुरू 4-4 साल नहीं करवाया। 4 लेन से लेकर रेलवे के काम भी कांग्रेस शुरू नहीं करवा पाई। तो जनता के जहन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, लेकिन राज्य की सरकार कांग्रेस की उस समय विफल रही इनको लागू करने के लिए, इसीलिए 2017 में इन्होंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदलेंगे। अनुराग, पिछली बार हमीरपुर में 5 में से 2 हम पहले से ज्यादा सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर भाजपा की सरकार बनेगी।